आज मैं आपको स्टेयर केस का रेनफोर्समेंट के बारे में बताऊंगा कि इसमें जो रेनफोर्समेंट यूज होता है वो कैसे लगाया जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, तो फिर मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे स्टेयर केस का जो है वो सेटरिंग कर दिया गया, ठीक है। अब इस पर क्या किया जाएगा, इसमें यहाँ पर रेनफोर्समेंट लगाया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये क्या था, ये डोवेल्स बार था जो हम लोगों ने छत पर छोड़ के रखा था। ये डोवेल्स बार की जो लेंथ है वो 3 फीट तक लेंथ है। अब क्या किया जाएगा, इसी डोवेल्स बार में हम लोग क्या करेंगे, लैप प्रोवाइड करेंगे। अब मुझे क्या करना है, ये बार को अब आगे भी तो लेके जाना है, तो यहाँ पे क्या, ये सब डोवेल्स बार में क्या होगा, लैप प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं, यही बार हम लोग क्या किए हैं, ये बार को हम लोग क्या किए, लैप प्रोवाइड किए हैं, क्योंकि अब ये बार यहाँ क्या थी, आधा तक यहाँ के छुटी हुई थी ये जो हम लोग डोवेल्स बार छोड़ के गए। अब ये बार को मुझे आगे लेके जाना था, तो यहाँ पर लैप हम लोग प्रोवाइड किए हैं। जैसे आप देख रहे हैं, ये बार पूरी आगे तक गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यही सब बार, यही बार क्या हमारी मेन बार है जो लैब प्रोवाइड किया गया, यही बार देखिए आप आगे तक गई हुई है। मगर यहाँ पे क्या किया गया, गलती, यहाँ पे सभी बार जो आप देख रहे हैं, सभी बार को एक जगह पे कट कर दिया गया था। तो क्या हुआ कि एक जगह पे कट नहीं करना था, टोटल इसमें 8 बार थी, तो 4 बार ऊपर रहना चाहिए थी और 4 बार नीचे रहना चाहिए था। क्योंकि हमारा जो IS कोड है वो बोलता है कि नॉट मोर देन 50% ऑफ द बार शुड बी लेफ्ट एट एनी वन पार्टिकुलर सेक्शन। तो इसलिए टोटल 8 बार थी, तो 4 बार हमारी ऊपर आना चाहिए थी और 4 बार जो थी वो नीचे आने चाहिए थे। जैसे आप देख रहे हैं, यही मेन बार के ऊपर क्या, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया जा रहा है। ये मेन बार को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये हमारी मेन बार है। ये मेन बार कहाँ जा रही है, देख रहे हैं आप, ऊपर जा रही है। तो स्टेयर केस में क्या होता है, ऊपर से देखिए, वो ऊपर से नीचे आ रही है वो बार, तो ऊपर वाली बार जो है वो नीचे आएगी, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये बार कहाँ से आ रही है, ऊपर से आ रही है, और ये बार कहाँ जा रही है, ये नीचे आ रही है। तो ऊपर वाली बार नीचे आएगी, और नीचे वाली जो बार आप देख रहे हैं वो क्या आएगी, ऊपर आएगी। मैं अभी आपको बताऊँगा कि वो नीचे वाली बार ऊपर कहाँ से आएगी। जो ये देख रहे हैं, ये थी हमारी सबसे नीचे वाली जो बार थी, वो हमारी मेन बार थी, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है। अब इसी के ऊपर क्या किया गया, यहाँ पे देखिए डिस्ट्रीब्यूशन बार लगा दिया गया है। ये जो सबसे नीचे वाली बार जो देख रहे हैं वो मेरी मेन बार है, और मेन बार के ऊपर जो ये लगाई है, ये हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है। और क्यों दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन, मेन बार को सपोर्ट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड किया जाता है। और 1 बार से 2 बार का जो डिस्टेंस है, ये 6 इंच है सेंटर टू सेंटर। ये 2 बार के बीच जो डिस्टेंस है वो 6 इंच है सेंटर टू सेंटर। देखिए आप, पूरा थ्रू आउट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड कर दिया गया है मेन बार के जस्ट ऊपर। मैंने आपको जैसे बताया था कि आपको मैं बताऊंगा कि जो कैसे जो नीचे वाली बार है वो ऊपर आ रही है। देखिए आप जैसे देख रहे हैं, ये नीचे वाली बार थी उसको क्या किया जा रहा है, ऊपर किया जा रहा है। तो स्टेयर केस में ही होता है, सबसे नीचे ऊपर वाली बार नीचे आएगी और सबसे नीचे वाली बार ऊपर आएगी। देखिए नीचे वाली बार को ये ऊपर किया जा रहा है, और यही बार जो हमारी टॉप स्टार बार हो जाएगी। देखिए यही बार हमारी क्या हो गई, टॉप स्टार बार हो गई। जैसे कि ये वाली जो बार है, ये हमारी टॉप एक्स्ट्रा बार है। यहाँ पे जो ये बार आप जो देख रहे हैं, ये बार हमारी क्या है, टॉप एक्स्ट्रा बार है। सेम यहाँ पे जो बार थी, यहाँ पे ये जो वाली बार है, ये भी हमारी क्या है, टॉप एक्स्ट्रा बार है। तो ये टॉप एक्स्ट्रा बार की लेंथ कितनी होगी, ये होगा हमारा L/3। जैसे ये हमारे ड्रॉइंग में जो L/3 दिया हुआ है, L जो होता है वो लेंथ ऑफ वेट स्लैब होगा। जैसे हमारा यहाँ जो वेट स्लैब था लेंथ का, वो 4 फीट था, तो 4 डिवाइडेड ये टू, यहाँ पर हम लोग लेंथ ऑफ वेट स्लैब था वो 12 था, 12 फीट था। तो 12 डिवाइडेड बाई हम लोग करेंगे 3, तो कितना आएगा, 4 फीट। तो ये जो टॉप स्टार बार की जो लेंथ है वो 4 फीट है। यहाँ पे ये टॉप स्टार बार, और वहाँ पे आप देख रहे हैं ये भी टॉप स्टार बार है, तो उसकी जो लेंथ है वो 4 फीट है। अब ये जैसे देख रहे हैं, ये टॉप स्टार बार, अब इसके नीचे क्या किया जाएगा, इसके नीचे डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया जाएगा इसको सपोर्ट करने के लिए, टॉप स्टार बार को। जैसे इसके नीचे जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया जाएगा टॉप स्टार बार को सपोर्ट करने के लिए। जैसे आप देख रहे हैं, ये क्या थी, ये मेरी टॉप स्टार बार थी, ठीक है। अब इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया गया इसके जस्ट नीचे। यहाँ भी आप जैसे देख रहे हैं कि इसके नीचे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया है टॉप स्टार बार को सपोर्ट करने के लिए। सेम जो होगा वहाँ भी वही किया गया है, टॉप स्टार बार थी उसको सपोर्ट करने के लिए उसके नीचे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन बार लगाया गया है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ऊपर वाली बार जो है वो नीचे आ रही है, जैसे ये वाली बार आप देख रहे हैं, ये क्या हमारी ऊपर है, जो हमारी जो मिड लैंडिंग बीम है वहाँ पे जा रही है। देखिए ये ऊपर वाली बार कहाँ आ रही है, देखिए ये नीचे आ रही है, यही हमारी मेन बार है। ये ऊपर वाली बार आके यही जो हो जा रही है, ये नीचे आ रही है, तो यही बार क्या हो जा रही है, मेरी मेन बार है, ठीक है। और जो नीचे वाली बार है वो ऊपर आ रही है, जैसे आप देख रहे हैं ये जो बार है, ये बार क्या है, नीचे वाली बार है। देखिए ये वाली जो बार है जो मैं टच कर रहा हूँ, ये बार देख रहे हैं, ये नीचे से आ रही है और ये जाके ऊपर आके ये क्या हो जा रही है, टॉप स्टार बार हो जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेयर केस में ही होता है, ऊपर वाली बार जो आएगी नीचे आएगी, और जो नीचे वाली बार है वो ऊपर आके टॉप स्टार बार हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो है आपको सीजर टाइप का शेप भी दिखाई दे रहा है, यही को हम लोग सीजर स्टेयर केस भी बोलते हैं। जैसा कि आप ऊपर में जो बार देख रहे हैं, यही क्या हमारी मेन बार है। ये जो बार है, ये क्या है, यही मेन बार है जो ऊपर में है, ये वाली,
क्योंकि ऊपर वाली बार आके नीचे आ रही है, यही हमारी क्या मेन बार। अब इसके नीचे जो है एक डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड किया गया, उसी से जो नीचे वाली बार है उसके नीचे भी यहाँ पे स्लैब में जो है मिड लैंडिंग जो स्लैब है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड किया गया है। स्टेयर केस जो होता है वो हमारा वन वे स्लैब होता है, जैसे आप आगे में ये बीम देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो एक बीम देख रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, ये जो आगे में जो बीम है जो मिड लैंडिंग बीम है और आगे में यहाँ पे भी एक बीम थी, यहाँ पे जो कास्टिंग हो चुका है, तो लोड जो होगा हमारा ये दो बीम पे ही ट्रांसफर होगा। तो स्टेयर केस का जो होता है हमारा वो होता है वन वे स्लैब होता है, जैसे आप देख रहे हैं साइड में बीम नहीं है, इधर बीम है, इधर बीम है, साइड में बीम नहीं है, एक आगे में वो जो बीम है और यहाँ हमारा कास्टिंग हो चुका है, यहाँ भी एक बीम थी, लोड जो होता है इसी दो बीम पे ट्रांसफर करेगा। तो जिधर हमारा लोड ट्रांसफर करेगा उधर ही हम लोग क्या करते हैं, मेन बार प्रोवाइड करते हैं। तो इसलिए जो ये जो मेन बार है जो सबसे नीचे वाली बार, ये अलोंग क्या है, लॉन्गर स्पेन पे है, देख रहे हैं अलोंग लॉन्गर स्पेन पे लगी हुई है। और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारी ये जो इसके ऊपर जो है मेन बार के जस्ट ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये अलोंग शॉर्टर स्पेन लगी हुई है, क्योंकि वन वे स्लैब में क्या होता है, जो जिधर लोड ट्रांसफर करता है उधर ही हम लोग मेन बार प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ लोड किधर ट्रांसफर करा, अलोंग लॉन्गर स्पेन, तो मेन बार हमारी लॉन्गर स्पेन है और शॉर्टर स्पेन में हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन बार प्रोवाइड किए हैं। जैसे कि आप वहाँ पे देख रहे हैं कि वहाँ पे क्या हमारा डबल मेश प्रोवाइड किया गया है, फिर बीच में सिंगल मेश, फिर यहाँ पे क्या है डबल मेश प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे डबल मेश प्रोवाइड किया गया है क्योंकि वहाँ पे हमारा क्या नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, माने कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो हम लोग एल बाई थ्री और एल बाई फोर पोर्शन तक टॉपिक स्टबर प्रोवाइड करते हैं। सेम हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या हुआ, एल बाई थ्री और एल बाई फोर पोर्शन तक यहाँ पे टॉपिक स्टबर प्रोवाइड किया गया क्योंकि यहाँ पे हमारा नेगेटिव बेंडिंग मूवमेंट, माने कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो उसको काउंटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल मेश प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि वहाँ पे डबल मेश प्रोवाइड किया गया है, फिर बीच में क्या है हमारा सिंगल मेश है, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या किया गया है, डबल मेश प्रोवाइड किया गया क्योंकि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, माने कि ऊपर जाने की कोशिश करेगा, तो उसको रजिस्ट और काउंटर करने के लिए हम लोग टॉप स्टार बार प्रोवाइड करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैंने आपको बता दिया कि स्टेयर किस का स्टील हम लोग कैसे लगाते हैं। जैसे आप मेरा प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, मैंने आपको इस स्टेयर केस के बारे में दो वीडियो बना चुका हूँ उसके बारे में, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं उसके बारे में भी।